स्वागत है आपका टीवी के पहले इकलौते ज्योतिषीय समाचार बुलेटिन में। एबीपी न्यूज की नजरें अब न केवल जमीन पर रहेंगी बल्कि आसमान तक जाने वाली है। एबीपी न्यूज अब आपको नक्षत्रों के हाल के मामले में भी सबसे आगे रखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संतोष संतोषी और आपका स्वागत है एस्ट्रो न्यूज में। हम आपको ग्रहों नक्षत्रों के पल पल की चाल और उसके हाल की जानकारी देंगे। आकाश मंडल में हो रहे एक एक बदलाव की खबर आपको एस्ट्रो बुलेटिन में मिलेगी। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में जा रहा है और किस ग्रह के साथ युति कर रहा है और उस युति से कौन सा योग या फिर महायोग बन रहा है, उसका क्या असर देश दुनिया पर पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप पर कितना असर पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको एस्ट्रो न्यूज में मिलने वाली है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की एस्ट्रो हेडलाइंस पर। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे। मंगल का अपने ही नक्षत्र मृगशिरा के तीसरे चरण में होगा प्रवेश। शनिदेव आए मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा के पहले चरण में। बुध और सूर्य के बीच 6 डिग्री के अंतर के कारण बुध पर लगा अस्त होने का दोष। सेनापति मंगल देवगुरु बृहस्पति अपना वक्री फल देना जारी रखेंगे। अब हेडलाइंस का विस्तार ले लीजिए। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे, अर्थात चंद्रमा चर राशि में रहेंगे। यहाँ पर आपके मन को ये चंचल कर सकते हैं, आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मंगल का अपने ही नक्षत्र मृगशिरा के तीसरे चरण में प्रवेश हो रहा है, अर्थात मंगल अग्नि का कारक है और आपके अंदर आग भर सकता है। आपको कुछ अपने अंदर शांति लानी चाहिए। शनिदेव आए मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में। अब देखिए दोनों ग्रहों के मध्य टकराव की स्थिति होती है। मंगल और शनि आपस में बहुत शत्रु भाव रखते हैं। इसकी स्थिति में आपके अंदर क्रोध की अधिकता आएगी, आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। बुध और सूर्य के बीच 6 डिग्री के अंतर के कारण बुध पर अस्त होने का दोष लग गया। बुध जब अस्त होता है तो आपके अंदर वाक चातुर्य की कमी आ जाती है, आप कुछ बोलने से पहले जैसे झिझकते हैं, यह इस बुध का ही फल है। सेनापति मंगल और देवगुरु बृहस्पति अपना वक्रत्व वाला फल देना जारी रखेंगे। मंगल जब वक्री होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर आलस्य आ जाता है और देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो कई बार सोचने और समझने की क्षमता पर, अपने विवेक पर असर पड़ जाता है। तो ग्रहों नक्षत्रों में आए इस परिवर्तन का आज आप पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे राशि समाचार में। लेकिन इससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल अष्टमी। चंद्रमा मकर राशि में है। नक्षत्र रहेगा श्रवण, योग शुक्ल और आज का राहु काल नोट कर लीजिएगा, दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए। गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। गुलिक काल वो समय होता है जिसमें कोई भी नया और महत्वपूर्ण काम किया जा सकता है। और अब आपके लिए राशि समाचार। लेकिन इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, राहु भरणी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है। हमारी रिसर्च टीम की ओर से इस वक्त ये बड़ी जानकारी आ रही है, राहु का गोचर भरणी में होने जा रहा है। भरणी शुक्र का नक्षत्र होता है और राहु शुक्र का जब संबंध बनता है तो निश्चित रूप से इसका हम सब पर असर पड़ता है। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है। शुक्र इस प्रकार की भोग वासनाओं का कारक ग्रह होता है, तो हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, यह बड़ी ब्रेकिंग है। तो वापस लौटते हैं और बिना इंतजार करवाए पेश है आज के राशि समाचार। मेष राशि, शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको काफी सफलता मिलने वाली है। आज हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपको संघर्ष कराएगा। आज का दिन बिजनेस के मामले में पार्टनरशिप पे ध्यान दीजिएगा।
अगर आपकी राशि मेष है तो आज आपको प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ी सफलता मिल सकती है, तो वहीं सरकारी क्षेत्र में आपको थोड़ा सा पदोन्नत के लिए पैरवी लगवाना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज मेष राशि वालों को पत्नी के साथ नोकझोंक का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ में क्या पूछना है, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। मेष राशि वालों को आज कुछ गुड़ की डलियां खाकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। शुभ रंग आपके लिए सफेद, तो भाग्य साथ देगा 65%। वृषभ राशि वालों के शिक्षा क्षेत्र में आज सफलता के परचम लहराएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको संघर्ष की आवश्यकता तो है, लेकिन मेहनत से मत भागिएगा। आज प्राइवेट सेक्टर वालों को वाहन का सुख मिलेगा, तो सरकारी क्षेत्र में वृषभ वालों के लिए नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में बच्चों को लेकर के कुछ तकरार हो सकता है। लव लाइफ आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज माइग्रेन की शिकायत रहेगी, कुछ जुखाम खांसी भी परेशान कर सकता है। भाई मौसम का मिजाज भी तो देखना है। अगर हम स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं तो आज किसी जरूरतमंद को जल का दान कर दीजिएगा। आज वृषभ राशि वालों के लिए शुभ रंग केसरिया और भाग्य प्रतिशत है कितना, 55। बात करते हैं अब मिथुन राशि की। आप देख रहे हैं राशि समाचार। मिथुन राशि वालों की शिक्षा क्षेत्र में कुछ विशेष उन्नति होगी। आज विदेश यात्रा की संभावना है, पढ़ने के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं। आज का दिन आपको प्राइवेट शिक्षक और व्यापार में कुछ खास सफलता देगा। वाहन बदल सकते हैं, मकान के सहयोग बनते हैं। आज सरकारी क्षेत्र वालों के लिए मेहनत का फल थोड़ा विलंब से दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। दाम्पत्य जीवन आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। ससुराल से रिश्ता मधुर होगा। राशि समाचार में मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ की स्थिति सुधरने जा रही है। प्रयोग क्या करना चाहिए, अगर आपकी राशि मिथुन है तो आज 3 पौधों में जल दे दीजिएगा और रंग रहेगा शुभ लाल। भाग्य प्रतिशत 75। राशि समाचार में कर्क राशि वालों की शिक्षा क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता के साथ साथ संघर्ष भी दिखाता है। प्राइवेट सेक्टर में आप मेहनत का परिणाम पाएंगे। बिजनेस का क्षेत्र थोड़ा बहुत परेशान करेगा, लेकिन सफलता तो निश्चित है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए कुछ विशेष रास्ते खोल देगा। हो सकता है कि कहीं आप यात्रा पर भेजे जाएं। दाम्पत्य जीवन आज आपके लिए सुखद आश्चर्य से भर देगा। लव लाइफ की स्थिति में सुधार हो रहा है। प्रयोग क्या करना चाहिए, आज किसी छोटे बच्चे को कुछ टॉफी चॉकलेट दे दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा आज केसरिया और भाग्य साथ देगा 55%। बात करते हैं अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए शिक्षा क्षेत्र में आज पड़े घोड़े दौड़ेंगे आपके। कुछ विशेष सफलता आपको मिलने वाली है। आज कहीं ग्रुप स्टडी के लिए आप जा सकते हैं, नई जगह एडमिशन हो सकता है। अगर आपकी राशि सिंह है तो व्यापार तो आज आगे बढ़ता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र में सफलता निश्चित रूप से आपके पास आ रही है। मैरिड लाइफ में आज कुछ उठापटक की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन को संजोग कर रखने की आवश्यकता है सिंह राशि वालों को। लव लाइफ की स्थिति में सुधार होगा, कुछ नए प्रपोजल भी आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज रहेगा पीला और भाग्य साथ देगा 58%। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम दिखाता है। व्यापार के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, रिस्क आज बिल्कुल मत लीजिएगा। आज का दिन प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप कन्या राशि के हैं, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत संघर्षशील रहेंगे। परिणाम अंततोगत्व आपको बेहतर मिलेगा। सरकारी क्षेत्र के विषय में उन्नति आपको होगी, लेकिन थोड़ा बहुत बृहस्पति को संभाल कर चलना होगा। कन्या राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में सुखद एहसास होगा, बच्चों का सुख मिलेगा, लेकिन लव लाइफ की स्थिति आज शक के दायरे में आती है। कन्या राशि वालों के लिए शुभ रंग आज नीला रहेगा और भाग्य साथ देगा 73%। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शिक्षा क्षेत्र में आज सफलता मिलेगी। कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। व्यापार के लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज तुला राशि वालों के लिए यहां पर पदोन्नति की संभावना है। तुला राशि वालों के लिए
आज दाम्पत्य जीवन में कुछ सुखद आश्चर्यजनक घटनाएं घटेंगी, मन प्रसन्न रहेगा, विवादों से मुक्ति मिलेगी। लव लाइफ को लेकर के आज अपने आप को संभालिएगा, एग्रेशन से बचने की जरूरत है। क्या प्रयोग करना चाहिए अगर आपकी राशि तुला है? किसी पौधे में आज जल दे दीजिएगा। और शुभ रंग आपके लिए रहेगा काला, भाग्य प्रतिशत 55। शिक्षा क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता के संकेत मिलते हैं, बाहर कहीं जाके एडमिशन करवा सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा बदलाव आज जरूर हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर के जॉब वालों को आज पदोन्नति का स्वाद चखने को मिलेगा। सरकारी क्षेत्र वालों को विशेष सफलता के संकेत मिलते हैं, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में सुखद आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। लव लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों को किसी जरूरतमंद को कुछ खाने की वस्तु देना शुभ होगा। आज आपका शुभ रंग रहेगा लाल और भाग्य प्रतिशत है 50। धनुराशि, शिक्षा क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता के लिए मेहनत करना पड़ेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन आपका बेहतर रहेगा। धनुराशि वालों को आज प्राइवेट सेक्टर में पदोन्नति के संयोग दिखते हैं। सरकारी क्षेत्र वालों को थोड़ा मेहनत से भागना भारी पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति आज बहुत अच्छी है। लव लाइफ के लिए विवाह की तरफ इशारे मिलते हैं। आज का दिन अगर आप किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी का दान करते हैं तो बेहतर बीतेगा। आज शुभ रंग आपके लिए रहेगा स्लेटी और भाग्य प्रतिशत है 58। मकर राशि, शिक्षा क्षेत्र में शुभता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज पदोन्नति रुक सकती है। सरकारी क्षेत्र में शुभता है, वाहन बदल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति बच्चों के साथ होकर गुजरती है। लव लाइफ में आज थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उस पर जीत हासिल कर लेंगे। क्या उपाय करना चाहिए? मकर वालों को आज किसी जरूरतमंद बच्चे को पाठ्य पुस्तक देना शुभ होगा। आज का दिन आप नीला रंग इस्तेमाल करिएगा और भाग्य साथ देगा 72%। कुंभ राशि, शिक्षा क्षेत्र आपके लिए आज नए रास्ते खोलेगा। व्यापार में मेहनत ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर वालों को आज नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। सरकारी क्षेत्र की स्थिति सुधरने शुरू हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति में बेहतर होना है। आज ज्यादा चिंता नहीं करना है। लव लाइफ की स्थिति में आज पहले से बेहतर कुछ दिखेगा। कोई दोस्त मदद के लिए आगे आएगा। आपके लिए उपाय के तौर पर आज का दिन किसी जरूरतमंद को कुछ धन देकर के बिताना है। आज शुभ रंग आपके लिए रहेगा बादामी, भाग्य प्रतिशत है 45। अंतिम राशि मीन, शिक्षा की स्थिति आज अपने आप संवरने लगेगी। व्यापार को लेकर के थोड़ा सा सजग होना है। आज का दिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए, अगर आप मीन राशि के हैं तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। कोई दोस्त साथ देगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में महिला बॉस से मदद मिलने की संभावना प्रबल है। बृहस्पति की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आपकी राशि मीन है, दाम्पत्य जीवन में बहुत शुभ परिवर्तन होना है। लव लाइफ विवाह की तरफ इशारे कर रहा है। प्रयोग क्या करना चाहिए? आज किसी जरूरतमंद को कुछ खाने की सामग्री जैसे हरी सब्जी आदि दान करिएगा। आज शुभ रंग आपके लिए रहेगा नीला, भाग्य प्रतिशत 58। तो अब वक्त हो गया है आज के एस्ट्रो लव टिप का। एक ऐसा टिप जो आपके प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन, जी हाँ, मैरिड लाइफ को खुशहाल कर देता है। दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी नाभि को छूकर 3 बार अपने पति या पत्नी का नाम लेना है। और अगर आप सिंगल हैं तो प्रेमी या प्रेमिका का नाम ले लीजिएगा। इससे आपके जीवन में प्रेम के रस घुलने लग जाएंगे। यह दिव्य प्रयोग आपके जीवन में प्रेम की शुभता और सकारात्मकता को बढ़ा देता है। आगे अभी इस ज्योतिषीय समाचार बुलेटिन में बहुत कुछ है, जैसे एस्ट्रो राजनीति, मुद्दा गरम है, कौन सा गरम मुद्दा ग्रहों के घर से हम आप तक पहुंचाएंगे, आगे बताएंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है जानने का एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट, जिसका इस्तेमाल बहुतों ने किया है और अपना जीवन खुशहाल पाया है। उल्टे पांव के अंगूठे में काला धागा बांधकर 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करिएगा और फिर आप अपने घर से आगे बढ़िएगा। इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण बस एक, कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है जो पूरे ब्रह्मांड से आप तक लेते हैं।
और अब राशियों के शुभ अक्षर की बात, यानी हिंदी का वो अल्फाबेट जो आपका दिन बेहतर कर देता है। एक ऐसा अक्षर जो होता तो हिंदी का है लेकिन आपको पूरी तरह से सकारात्मक बना देता है। यह अक्षर हम आपके लिए आपकी चंद्र राशि के अनुसार लेकर आ रहे हैं। आपकी चंद्र राशि के अनुसार, उसके नक्षत्रों के अनुसार, नक्षत्र से नवमेश का अक्षर और उससे भी नवम, जी हाँ, भावात भाव फलम के सिद्धांत के अनुसार ये अक्षर पूरे शोध के साथ हम आप तक लेकर आए। मेष लाक्षर, वृषभ पाक्षर, मिथुन का कर्क हाक्षर, सिंह साक्षर, कन्या हाक्षर, तुला जाक्षर, वृश्चिक वाक्षर, धनु माक्षर, मकर याक्षर, कुंभ वाक्षर, मीन थाक्षर। तो ये तो रहा आपका शुभ भाग्याक्षर, लकी अक्षर। इसे कैसे प्रयोग में लाना होता है? एक छोटा सा चौकोर कागज ले लीजिएगा, उस पर लाल रंग के इंक वाली कलम से अपनी मून साइन अर्थात चंद्र राशि का अक्षर लिख लीजिएगा और इसे अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, बच्चों के लिए उसके स्कूल बैग्स में, कहीं पर भी इत्मीनान से रख दीजिएगा। यकीन मानिए, ब्रह्मांड का ये सबसे छोटा दिखने वाला अक्षर कंप्लीटली चमत्कार दिखा देगा और आप अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अब एक सरसरी नजर एस्ट्रो फटाफट पर। नीच राशि के सूर्य से रहना होगा सावधान। शनि चंद्र की युति से बन रहा है विष योग। सूर्य शुक्र की युति बना रहा है पितृ ऋण। जी हाँ, यह युति बहुत भारी पड़ता है कई बार। अगर किसी की कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उसे अपयश का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के लोग आज किसी को उधार ना दें। कुंभ राशि वालों को आज विदेश जाने के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो तेजी लाना होगा। तुला राशि वालों को आज अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। कर्क वालों को आज अनावश्यक शक से बचना होगा। सिंह राशि वालों को नए रिस्क से बचने की जरूरत है। जी हाँ, मुद्दा गर्म है। मैं हम आपको बताते हैं वह खबर ज्योतिष के गलियारे से, जिसकी वजह से आपके जीवन में भारी हलचल चलता है, जिसकी वजह से उसकी गर्मी आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। तो आज की गर्मी अर्थात गर्म मुद्दा यही है कि सूर्य तुला राशि में आ गए हैं, चल रहे हैं, 15 नवंबर तक लगभग रहेंगे। अब चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं तो हर किसी पर इसका असर पड़ेगा। नीच राशि है तुला राशि, लेकिन तुला राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं के घर में सूर्य नीच राशि में है। इन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक शक बढ़ सकता है जिसका सीधा असर इनकी मैरिड लाइफ पर पड़ता है। धन की चिंता बढ़ सकती है, लेकिन एक खुशखबरी भी है, सातवीं दृष्टि से मेष राशि वालों को विशेष फल दे देंगे, क्योंकि यहां पर सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ती है। तो आज का मुद्दा गरम सूर्य से संबंधित था, जो हमने बताया है इसका विशेष ध्यान तुला और मेष वालों को आज देना है। एस्ट्रो राजनीति में हम किसी विशेष शख्सियत की कुंडली अर्थात उसकी कुंडली उठा लेते हैं और उस पर आपको कुछ रोचक तथ्य तात्कालिक ग्रह गोचर से बताते हैं। आज जिस शख्सियत को हम लेने जा रहे हैं उनका नाम है राहुल गांधी। जी हाँ, जो आजकल भारत जोड़ो यात्रा के लिए सनसनी बनाए हुए हैं, हर जगह इनकी चर्चा चल रही है। तो आखिर इनके ग्रह क्या कहते हैं, राहुल गांधी की अब एक्चुअल कुंडली पर कौन दावा करे, इसलिए हमने इनके पुकार नाम के पहले अक्षर से इनके ग्रहों को कैलकुलेट करने की योजना बनाई है। राहुल से तुला राशि बनती है और इसका स्वामी होता है शुक्र, तो इसके अनुसार राहु अभी इसके साथ संबंध बनाया हुआ है, अर्थात ठीक सातवें भाव से राहु की दृष्टि पड़ रही है। ये एक संघर्ष के साथ इस समय थोड़ा सनसनी बना कर रखे हैं। शुक्र सूर्य के साथ अपनी उच्च राशि में विराजमान है, जिसके कारण राहुल गांधी के सितारे
बुलंद हैं। फिलहाल अभी ये चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन इनकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार भी होगा। मान सम्मान बढ़ेगा, शुक्र 25 दिन का गोचर रखते हैं, इसलिए बार बार कुछ बदलाव की भी संभावना बताते हैं। अपने सहज स्वभाव के कारण महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होंगे ये। भाई शुक्र स्त्री संज्ञक जो है, और साथ ही साथ बच्चों में भी इनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आज के एस्ट्रो न्यूज में बस इतना ही। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे शुक्र राहु और केतु से कैसे बनेगा आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटना चक्र। कल के एस्ट्रो राजनीति में हम जिस शख्सियत की कुंडली लेने वाले हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। तो देखना ना भूलिएगा कल सुबह 7 बजे एस्ट्रो न्यूज। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।